आप देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। आज नांदगांव तहसील कार्यालय के पास नांदगांव ग्राम पंचायत है, जहां पर अमर भूषण कर पर मतलब कुछ लोग यहां पर बैठे हुए थे और इनके गांव के अंदर एक बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, जिसकी जानकारी जिसकी मालूमात यहां पर एक पंपलेट के द्वारा और बैनर के तरिए भी दी गई है। पंडाल भी लगाया गया था और यहाँ पर भूख हड़ताल पर मतलब ये बैठे हुए थे। आज का पहला ही दिन था। हाँ, पहला ही दिन था लेकिन अधिकारियों की तरफ से आश्वासन दिया गया है और एक महीने का टाइम लिया गया। हम इनसे जानने की कोशिश ये करेंगे कि कौन सा भ्रष्टाचार हुआ है, क्या भ्रष्टाचार है और कितने लाख का या करोड़ का वो भ्रष्टाचार है, इसकी जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका? संजय कैलाश लहरे। कितना भ्रष्टाचार हुआ है और किस किस बात को लेकर भ्रष्टाचार हुआ? हमारे गाँव की पानी की टंकी थी, उसका भ्रष्टाचार बहुत हुआ और हमारे गांव में कम भारत स्वतंत्र हुआ तब से हमारे गांव में लोकशाही नहीं है। हमारे गांव में हुकुमशाही चलती है। हमारे गांव में अभी तक कोई भी सुविधा नहीं है। दलित बस्ती हो, आदिवासी बस्ती हो, उस पे का कोई लाइट नहीं है, कोई पानी की व्यवस्था बहुत है। हमारे गांव में कोई सुविधा नहीं है। हमारे गाँव में घरकुल योजना भी नहीं है। घरकुल योजना में नाव आते हैं लेकिन वो नाव गायब हो जाते हैं। कौन करता है ये सब? ये सब वो ग्राम सेवक और सरपंच की चाल रही थी वो। ये आप तो आप यहाँ पर धरने बैठे हैं तो किसी पक्ष के द्वारा बैठे हैं या फिर एक आम आदमी की तरफ? आम आदमी की तरफ। इसमें किसी पक्ष का कोई संबंध नहीं? पक्ष का कोई संबंध नहीं, हम जनता का उठाव कर रहे हैं। जनता का विकास के लिए। हाँ, जनता के विकास के लिए बैठे। जो भ्रष्टाचार हुआ है इसके अंदर भ्रष्टाचार के अलावा जो जो प्रॉब्लम्स आपके गांव में है इसका उल्लेख किया है क्या आपने? उसका उल्लेख उसने सिर्फ कागज़ पे किया है लेकिन ऐसा गांव में कुछ विकास नहीं हुआ उसका। कागज़ पे विकास हुआ है? हाँ, कागज़ पे विकास हुआ है उसका। कागज़ पे जो विकास है अभी तक दूसरा कोई विकास नहीं है। कौन सा गाँव है और कहाँ पर आता है ये गाँव? ये मनमाड़ के नज़दीक 3 किलोमीटर है, सटाने गाँव, नांदगांव तालुका आता है उसका। अभी अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया आपको? अधिकारी बोले 20 दिन के बाद तुम्हारे सब समस्या ये हो जाएंगे बोले। अगर इसके बाद नहीं होती है तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? रास्ता रोको कराएगा और सीओ साहब के इधर अमर उपोषण होगा। तो ये जो गांव के लोग हैं इन लोगों ने किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज की विदाउट सपोर्टिंग यहां पर अमर उपोषण किया। आम आदमी और आम जनता की आवाज़ थी जिसका पहले ही दिन यहाँ पर इसका रिजल्ट ये समझ में आया है कि अभी एक महीने का टाइम इन लोगों से मांगा गया है लेकिन एक महीने के अंदर अगर इनके आंदोलन के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आगे फिर रास्ता रोक आंदोलन और उसके बाद फिर अमर उपोषण का कार्यक्रम इनकी तैयारी है। अब देखना ये है कि इस भ्रष्टाचार में कौन कौन शामिल है, क्या अधिकारी इस पर कोई कार्रवाई करते हैं या नहीं करते है? या फिर सत्ता के दबाव में आकर या किसी प्रेशर के तहत इस पर कोई कार्रवाई होती है या नहीं होती है, ये एक बड़ा सवाल है। और आप जुड़े हमारे साथ और देखते रहिए अब तक न्यूज़ चैनल। मैं जाबिर शाह एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर रहूँगा। जय हिंद।